हाय गाइस, मैं हूं पुनीत मोबी ज्ञान से और आज मैं हूं ताज पैलेस पे। सैमसंग ने आज अपने दो फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च करे हैं। वन ऑफ द डिवाइस इज़ द सैमसंग गैलेक्सी S6 एंड द अदर वन इज़ सैमसंग गैलेक्सी S6 एज। इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा ये दोनों डिवाइसेस के कैमरा की, इसकी परफॉर्मेंस की, बैटरी की और दोनों में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए या कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं कैमरा से। वन ऑफ़ द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑन दिस फ़ोन इज़ द कैमरा, जो मैंने आपको अभी बताया। अब ये फ़ोन के अंदर अगर आपको कैमरा ऑन करना है तो ये बटन है, आप इसे दो बार दबाइए और देखिए कैमरा ऑन हो गया। सो व्हाट हैपन्स इज अगर आपको कोई भी मोमेंट क्विकली कैप्चर करना है तो बिना कोई प्रॉब्लम के आप उसे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा ये है एक 5 MP का कैमरा और पीछे 16 MP का इसके कैमरा है। अपर्चर जो है, जो इसका लेंस है वो 1.9 उसका फोकस है। एंड बेसिकली उससे क्या होता है कि आप जो लाइट कैमरा में जाती है वो बहुत अच्छे से जा सकती है। सो इवन इन लो लाइट्स यू कैन टेक रियली नाइस पिक्चर्स। सो ये हमने बात करी कैमरा की। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो दोनों ही डिवाइस में एक्चुअली फीचर्स जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सेम हैं। परफॉर्मेंस में दोनों के ऊपर ऑक्टाकोर प्रोसेसर्स हैं और जो रैम है वो DDR4 है, जो आपको 80% ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी है इसके अंदर फास्ट चार्जिंग वाली। तो अगर आप उसे 10 मिनट चार्जिंग प्लग में लगा के रखते हैं फ़ोन को, तो आराम से आप इसको 4 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये फ़ोन को अभी डिटेल में यूज़ नहीं कराया तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आपको एक पूरा रिव्यू देने के लिए। बट अगर मैं बात करूँ फ़ोन के प्राइसिंग की, तो ये जो फ़ोन है दिस इज़ 58,900 रुपीज़ फॉर द 32 GB मॉडल और S6 जो है वो है 49,900 का। नाउ दोनों में जो डिफरेंस है वो है एज स्क्रीन का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो कर्व है, ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है सैमसंग ने। तो इसके लिए सैमसंग आपसे जो 32 GB का मॉडल है आपको उसके लिए 9,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। सो अगर आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कुछ चूज़ करना है और अगर आपका जो फैक्टर है दोनों में से एक, अगर आपको है स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, फ़ोन दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको 9,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे S6 एज के लिए। अदरवाइज़ अगर परफॉर्मेंस ही आपकी चॉइस है और अगर आप थोड़ा सा कम खर्च करना चाहते हैं तो S6 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ऑलराइट गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं इस फ़ोन का एक डिटेल रिव्यू करूँगा बहुत ही जल्दी। अभी के लिए अगर आपके कोई भी क्वेरीज है इस फ़ोन के बारे में तो प्लीज़ आप नीचे YouTube के अंदर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप movieGyan.com के कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।